झारखंड में आए दिन शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। इस बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक और उत्पाद विभाग के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के दिशा निर्देश अनुसार चाईबासा पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला रखी है। बीते दिनों जगन्नाथपुर SDPO प्रदीप उनराव के निर्देश पर अवैध रूप से महुआ शराब बनाने वालों के विरुद्ध हाटगमरिया थाना प्रभारी नंदकिशोर शाह के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। उत्पाद विभाग के अधिकारी के साथ हाटगमरिया थाना के सनी अमलेश कुमार, जितेंद्र मिश्रा व PSI पवन यादव दल बल के साथ हाटगमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पी बालजोड़ी के रेंगो बासा गांव में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने वाले कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में 200 चट्टी महुआ, 150 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। साथ ही अवैध शराब बनाने वाली 6 भट्टी भी जमींदोज की गई। वहीं छापेमारी अभियान को लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई।